पीतल नगरी बस अड्डे पर चंदौसी बस स्टेशन प्रभारी के सेवानिवृत्त होने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चंदौसी बस स्टेशन प्रभारी अनिल कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर साथी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा उन्हें सेवानिवृत्त होने पर शुभकामनाएं दी गई। साथ ही कर्मचारियों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान अनिल कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि चंदौसी स्टेशन प्रभारी के पद पर चंदौसी बस स्टेशन पर उनकी तैनाती थी, वहां से वो सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने कहा कि लगभग 34 वर्षों तक उन्होंने विभाग की सेवा की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सेवानिवृत्त होने पर पीतल नगरी डिपो पर कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा आज उन्हें सम्मानित किया गया है। सेवानिवृत्त होने पर शुभकामनाएं दी गई और ये समारोह का आयोजन साथ ही कर्मचारियों के द्वारा किया गया, ये देखकर काफी अच्छा लगा। स्टेशन प्रभारी चंदौसी के स्टेशन पर तैनात हैं और आज मेरा सेवानिवृत्ति का दिन है। जिस कितने वर्षों से मैं लगातार 34 वर्षों तक विभाग की सेवा की है। 28 वर्ष मैं जो है परिचालक के रूप में और बाकी ऑफिस में और स्टेशन प्रभारी। क्या अपील करना चाहेंगे अपने रोडवेज कर्मचारियों को? मतलब रोडवेज कर्मचारियों के लिए मैं अभी बताऊंगा अभी कि कोई भी विभाग ऐसा जिसमें अगर जनता से डायरेक्ट जुड़ाव है, वो अगर सामने वाले का व्यक्तित्व तो पहचानने की क्षमता रखता है तो वो कभी फेल नहीं। ये मैं अपने साथी कर्मचारियों को, बच्चों को ये शिक्षा दूंगा भी, बताऊंगा भी। बाकी सभी का बहुत प्यार मिला है आज के दिन, शायद ऐसा प्यार जिसका मुझे उम्मीद भी नहीं थी, इतना प्यार मुझे मिला है। आदरणीय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के, इन्होंने मुझे आके आशीर्वाद दिया है, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।